मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को बैठमा नगर में दूसरे वर्ष बहुत ही बड़े एवं अनूठे रूप से मनाया गया। यहां राम नवमी के पावन पर्व पर पूरे नगर को भगवा पताकाओं से सजाकर दूधिया रोशनी से रोशन किया गया। संस्था निर्भय के संरक्षक पूर्व विधायक मनोज पटेल द्वारा गुरुवार हिंदू समाज की भव्य श्री राम रथ यात्रा राजवाड़ा चौक से निकाली गई, जो बैठमा नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः राजवाड़ा चौक पर आकर समाप्त हुई। रथ यात्रा में धर्म ध्वजा, रथ में सुशोभित राम दरबार, ऊंट घोड़े बग्गी, डीजे पर नृत्य करती टोली, निशा की चलित भजन प्रस्तुति, सुप्रसिद्ध काशी विश्वनाथ की गंगा आरती, नासिक के प्रसिद्ध ढोल व ताशे, दक्षिण केरल की सुप्रसिद्ध चलित देवी अवतार, पुणे के कलाकारों द्वारा यात्रा मार्ग पर चलित रंगोली का बनाना आकर्षण का केंद्र था। राम नवमी पर नगर में भव्य एवं ऐतिहासिक श्री राम रथ का आयोजन हुआ। युवाओं ने हाथों में भगवा ध्वज लेकर जय श्री राम के उद्घोष लगाए जा रहे थे। पूर्व विधायक मनोज पटेल ने कहा कि बैठमा भाजपा की अयोध्या है, भव्य एवं ऐतिहासिक श्री राम रथ यात्रा निकालने की शाही परंपरा प्रारंभ की गई है। इंदौर बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। बैठमा में बहुत अच्छी राम रथ यात्रा निकली और मुझे ऐसा लगता है कि बैठमा के इतिहास में इतनी अच्छी यात्रा पहली बार निकाली। संस्था निर्भय के तत्वाधान में यह यात्रा निकली, किंतु बैठमा में राममय हो गया आज बैठमा नगर। और इतनी ऐतिहासिक यात्रा का पूरा श्रेय भगवान राम को तो जाता ही है, भाई उनके सारे हम हनुमान हैं उनको भी जाता है, पर किंतु बैठमा की जनता और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उनको आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इस राम रथ यात्रा में उन्होंने आकर के और चार चांद लगाए और खूब आनंद और उत्साह के साथ इस यात्रा को निकाला। रोशनी में अयोध्या जगमगा रही है और दूसरा एक तरफ बैठमा जिस तरह से देर रात तक का नज़ारा और पूरा रोशनी में। हाँ, मुझे भी वही आज खुशी है कि इतनी रात में भी बैठमा जगमग जगमग है और सभी भक्तगण में उत्साह है। और चूँकि मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि यह बैठमा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी की अयोध्या है, तो भाई तो अयोध्या में तो जगमग हो गई सही, और जगमग जगमग देर रात तक भी अभी और भी मुझे लगता है कि एक आध घंटा और रहेगी ऐसा अनुमान है। और सभी को मैं रामनवमी की तो बधाई के साथ साथ एक चीज़ कहूँगा कि हम सब भगवान राम का जो मंदिर बनने वाला है, अगली बार जब रथ यात्रा निकालेंगे तो भगवान राम अयोध्या में विराजित हो चुके होंगे और उस विराजित होने के बाद शायद मेरी हमारी बैठमा में अगली राम रथ यात्रा होगी। पुनः सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। लेफ्ट राइट करते हो कहो।
आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।